हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु द बीस्ट। दिस इज मी हिमांशु त्यागी। और भाई आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। मैं एक्चुअली मूर्थल से प्लान कर रहा था कि मैं वहां से व्लॉग करना स्टार्ट करूंगा, बट तो भाई जो हमारा ड्राइवर है इसने गाड़ी रोकी ही नहीं। पूछ रहा था कि सर कहीं रोकना है, तो मैंने पूछा अभी खाने का वहीं पे जाके रास्ते में देख लेंगे, आई थिंक लुधियाना के आसपास, बट इसने गाड़ी रोकी ही नहीं और ताबड़तोड़ गाड़ी चलाता रहा, तो मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पेट्रोल पंप से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो नेवर माइंड। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मैं पेट्रोल पंप से शुरू करूँ या कहीं से भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, वीवा फिटनेस का जो फोकस हेल्थ क्लब है वहाँ पर ओपनिंग है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। उसके बाद जाऊँगा मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो अभी मिलवाता हूँ भाई कौन कौन गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट आए हुए हैं ये देखो, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, धर्म पत्नी जी। गेस्ट क्या बोलना पड़ेगा भाई, लोग बोलते हैं भाई आप भाभी जी को क्यों नहीं लेके आते, तो इस बार ले आए। कैसा लग रहा है आके फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम आई हूं। बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। और ये अवंतिका, व्लॉग में पहले मिले हो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, कहाँ जाने वाले? लुधियाना। लुधियाना से कहाँ? अमृतसर। तो चलते हैं फटाफट से, कुछ खाते पीते हैं। अभी इन्हें यार इन्हें खाया नहीं है उन्होंने कुछ भी, तो अभी कुछ खाया नहीं है, अभी कुछ खाना पीना खाते हैं और फिर चलेंगे सीधा रूम पर, और फिर बाकी बातें टिल देन स्टेडियम गाइस। तो गाइस आ चुके हैं रूम में, अब होटल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लुधियाना में ऑन रोड होटल था द ग्रैंड पर्ल, तो अभी यहाँ स्टे है अभी कल सुबह तक। रीजन बिंग क्योंकि कल हमें सुबह पहले जाना है कहाँ, जगह कौन सी थी, मछीवाड़ा। मछीवाड़ा में फोकस हेल्थ क्लब, उसके बाद फिर वहाँ से प्रिपरेशन होगी सीधा, वो डिसाइड करेंगे अभी सुबह उठने के बाद। हाल देख लो टाइट है, कैसा लग रहा है? अमेजिंग। टायर्ड। टायर्ड। नींद आ रही है और गर्मी भाई गाइस बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल खाना पीना खा लिया था, खाना हालांकि बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था हमारा खाने का आफ्टर सो लॉन्ग, बट क्या करें, रात को लेट नाइट कुछ खाने के लिए ऐसे ऑप्शन नहीं थे। तो ऑन रोड जो ठीक सा हमें ढाबा लगा वहाँ पर हमने खाना खा लिया था। तो बाकी बातें अभी होनी रही हैं भाई, सुबह बात करता हूँ आपसे। टिल देन गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, सी यू सून, गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइज अटायर रेडी है वीवा फिटनेस, रीजन बिंग आपको पता है कि भाई जा रहा हूँ ओपनिंग में फोकस हेल्थ क्लब की, तो ऑल सेट है सारा मामला। जस्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ा, जल्दी उठे, सारी चीज़ें जल्दी से करनी पड़ी बिकॉज लेट आए थे, और लेट आने की वजह से सुबह मैं पहले सोचा था कि पहले जल्दी आऊँ, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलूँ, बट थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी था। अब थोड़ा सही फील कर रहा हूँ और चलता हूँ फटाफट से। तो वैसे चलते हैं सीधा अब कहाँ, लंच के, आप ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद निकलूँगा सीधा। तो गाइज मैं अभी जो है प्लान कर रहा था कि मैं दो व्लॉग बनाऊँ, बट जो है वो टाइम है कि एक ही व्लॉग बनाऊँ। तो अभी ब्रेकफास्ट रेडी है, और की टी शर्ट देख लो, ये वही टी शर्ट है जिसमें आप मुझे ऑलरेडी देख चुके हो, ये भी मेरी टी शर्ट है, दोनों को मैंने टी शर्ट उधार दी है आज। बट कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं और ये दोनों भी मेरी फेवरेट है। तो अभी चलते फटाफट से, लेट्स गो, ब्रेकफास्ट कर लूँ फटाफट से और फिर सीधा मिलूँगा फोकस हेल्थ क्लब। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस पहुँचने वाले हैं मछीवाड़ा जो भी है फोकस हेल्थ क्लब में, ऑन द वे 10 मिनट्स रह गए हैं बस, और फिर वहाँ पे जाके वार्तालाप होंगी सभी से। और ये बिल्कुल पिंड वाली फील आ रही है, गाँव वाली भाई, देसी, तो एक कस्बा टाइप है। और जो फोकस हेल्थ क्लब है ये 2-3 लोकेशन पर है, तो यहाँ भी इन्होंने ओपन किया है। तो मिलता हूँ गाइस आपको फोकस हेल्थ क्लब।
with your nails done now. ये शैतान में चावल जॉन जॉन अब्राहम हो गया। तो भाई यहाँ पर जिम के साथ साथ ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जॉन न्यूट्रिशन हेवन यहाँ आ सकते हो। कहीं आपको वर्कआउट के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डाइट में क्या लें, शेक पी हैं, सोलिड मिलता है, तो इट्स अप टू यू। इफ़ यू वॉन्ट कि आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जिम के बाद सॉलिड मील ही लें। थोड़ा सप्लीमेंट्स आप एक या दो सुन ले सकते हैं थ्रू आउट द डे, बट सॉलिड मील पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे मसल फाइबर्स आएंगे। तो मैं अब जो है जॉन जी के हाथ की चिकन सैलड खाने वाला हूँ, तो बहुत डिलीशियस लग रही है देखने में और मैं सोच रहा हूँ दोनों खा जाओ बट एक ही खाऊँ बस। तो वीडियो में बने रहो, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वर्कआउट करने का मन नहीं था बट सारे इक्विपमेंट्स देख के वर्कआउट करने का अलग ही मन कर जाता है, रुका नहीं जाता। कपिल जी कह रहे थे लगाओगे, मन करें पूरा लगाना है, रुकना नहीं है। फिर हाँ जी सर, देखो हाँ जी कैसा लगा जिम? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बेहतरीन। आओगे यहाँ दोबारा? नहीं आओगे तो आ जाऊंगी। तो गाइज अभी इवेंट ख़त्म हो गया, शूट भी हो गया, थोड़ा वर्कआउट भी हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रही।
और बहुत ही अमेजिंग जिम थी, बहुत अच्छा सेटअप था ऑल एंड ऑल, मतलब सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जिम सेटअप बहुत ही अमेजिंग भाई, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी इनविटेशन आने वाला है, और जब पूल वूल बन जाएगा, स्विमिंग पूल वगैरह, तब फिर आऊँगा पूरी टीम के साथ, बिकॉज अभी आधे लोग बुरा मान गए भाई, उनको लेके नहीं आया, बट जिन दो लोगों को लेके आया हूँ उनसे आप मिल चुके हूँ। ये देखो, ये इनका अटायर चेंज हो गया था वीवा सेटअप में जब गए थे, तब पूरा जींस टी शर्ट और अब फुलकारी चुन्नी। ये देखो, दिखाओ, प्रदर्शन करो फुलकारी चुन्नी, मैंने दी है, गिफ्ट करी है। हाँ, ये लास्ट बर्थडे में गिफ्ट। तो अभी चलते हैं, कहाँ अभी कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर गोल्डन टेंपल। अच्छा, और तुम? मैं जा रही हूँ। और गाड़ी आ रही। लास्ट टाइम हम मिले थे किन से? जसमीत से, जो मेरी प्रीवियस मैनेजर थी टीम, मतलब जहाँ मैंने लास्ट जॉब थी मेरी साइबर सिक्योरिटी में, वहाँ पर। तो अभी उनसे भी मिलना होगा, तो व्लॉग में बने रहा हूँ। Till then, stay tuned, guys. तो गाइस असी आ गए हैं, कितने कितने सी गोल्डन टेंपल, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब, तो अब जा रहे हैं हम हरविंदर साहब जी के मत्था टेकने, चलते हैं। और तुम्हारा तो पहली बार है, हम दो तीन बार से आते हैं बट दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो मैं लास्ट टाइम कर गया था, बस जाते हैं शॉपिंग लेके आते हैं। जसमीत जी की सौजन्य से लास्ट टाइम दर्शन करके चला गया था, तो अब फिर आया हूँ अभी इन सब लोगों को दर्शन कराने। तो चलते हैं अंदर और थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ आपको, तब वीडियो बने रहो। तो ये अभी जलियांवाला बाग आपने देख लिया, और अब ये है पूरा यहाँ पर मार्केट। हमें जाना है आगे, तो जो लोग जलियांवाला बाग घूमना चाहें जलियांवाला भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट फूड है सारा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है यहाँ पे, तो वो भी बहुत, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इधर है शॉपिंग सारी, तो जिनको फुलकारी चुननी है अपने घर के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बेटी के लिए, जिसके लिए भी जूतियाँ लेनी हो, कड़े लेने हो, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत लाइवली इन्वायरमेंट है यहाँ का। तो अभी हम चल रहे हैं माथा टेकने। जाके दर्शन तो नहीं कर पाए, रीज़न बिंग अभी आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा, आई मीन आज कुछ कल या परसों में कुछ फेस्टिवल था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, और दृष्टि की थोड़ी तबीयत डाउन है, तो उस वजह से
बहुत ज़्यादा देर उसको खड़ी नहीं रह सकती थी वो, तो फिर यही डिसाइड किया कि माथा टेकने आ गए हैं, माथा टेक के चलते हैं। और फिर कभी आज नहीं था किस्मत में कि आज बाबा जी दर्शन कराएं अपने, बट हाँ आप आ गए हो दर्शन करने, आपने वहाँ पर एंट्री हो गई आपकी, इट मीन्स आपके दर्शन हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे हमने जितने भी दर्शन किए कैसे लगा गाइस? तो कैसे लगा बताओ एक्सपीरियंस? अवंतिका का पूछते हैं, फर्स्ट टाइम आई है तुमने, हालांकि तुम भी एक ही थाली के चट्टे बैठे हो, तुम भी अंदर प्रॉपर दर्शन नहीं कर पाए। पाजी हट जा, पाजी कैसा लगा ये तो बता दे पहले, ये बाद में ले लियो। बहुत पीसफुल, पीसफुल ना आके, अच्छा बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो अब ये इसने जूतियाँ नहीं ली है, ये अपने टॉयज ले रही है क्योंकि ये अभी भी बच्ची है। और बाकी शॉपिंग वगैरह भी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें सामान खरीद रहे हैं यहाँ से, क्योंकि शॉपिंग की ये बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। रोड साइड सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप जूतियाँ फुलकारी चुन्नियाँ जो फेमस है यहाँ की वो ले सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं केसर ढाबा, और केसर ढाबा पे मिलेंगे जसमीत जी, उनसे मिलूँगा। तो जसमीत भी आ रही है वहाँ पर, तो उनसे भी वार्तालाप होंगी, ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल बाद मिलेंगे। लास्ट टाइम वो लेके आई थी, लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी की जो निर्माता थे डायरेक्टर थे, उनसे आपको मिलवाऊंगा। इतना वीडियो बने रहोगे गाइस, स्टे ट्यून। ये है अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी वाली मैडम, मैं बता रहा था कि निर्माता डायरेक्टर वो ये है। आज मैं इनके बिना दर्शन करने चला गया या कहीं और जा रहे थे, बट कोई बात नहीं, अभी अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। टेल देम स्टे ट्यून। तो गाइस केसर था ढाबा को तो जगह मिली नहीं, तो हम आ गए हैं प्रावाला ढाबा, ये भी अच्छा है, यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा है। इधर खाट कूट पड़ी हुई है, यहाँ बैठने का सिस्टम है, यहाँ भी खाते पीते हैं और फिर मिलेंगे कुछ खाने पीने के बाद। ये भाई ने पंखा चला दिया अपने हाथों से, भाई के सौजन्य से पंखा चल गया। कैसे लग रहा है? बढ़िया, दो खाने हैं, दो साहिल खान का कहना है, जो भी लो दो लो। कोई नहीं, तो गाइस अलविदा कहने का टाइम हो गया है, अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी जी को जिन्होंने डायलॉग बनाया था, बहुत अच्छा लगा मिलके। वापस आएंगे फिर, कम टाइम के लिए आए क्योंकि ने जाना है घर, ऑफिस का काम करना है और हमें भी करना है, फिर मिलेंगे अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी। तो गाइस हमारी हो गई हालत ख़राब, पराठे और लस्सी पी के इतनी भयंकर, सबकी हालत देख लो बिल्कुल टाइट सोने वाली हो गई है, सबके कपड़े चेंज होने वाले हैं, रिलैक्स पजामा वाली उसमें पजामा टी शर्ट, नॉर्मल बेसिक टू बैक टू बेसिक भाई, अब पहनते हैं चेंज वेंज करते हैं और फिर गाड़ी में बैठे रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो भी हवेली रुके हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं और चेंज करते हैं, फिर निकलेंगे, कॉफ़ी तो बनती है, कॉफ़ी पी के निकलेंगे। चल दें स्टेटिंग गाइस, वीडियो में बने रहना। तो भाई चेंज वेंज कर लिया है, तो भाई चलते हैं, अब कॉफ़ी पीता हूँ मैं, एक एस्प्रेसो कॉफ़ी पीने के बाद फिर आराम से गाड़ी में बैठ के बातें शाते करते हुए जाएंगे, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा अभी, तो हवेली पर रुके थे, कॉफ़ी पीता हूँ। बाकी लड़कों की हालत टाइट है, खा के क्योंकि इतना खा लिया है, खाया कम है एक्चुअली, स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑयली फूड होता है थोड़ा, कुलचा और दाल मखनी और छोले और दो लस्सी, भाई हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। तो अभी चलते हैं और फिर रास्ते में एक हिम्मत हुई तो बात करूँगा, अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, दिखा दी हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो